दोस्तों रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक नई भर्ती यहाँ पर निकल चुकी है। रेलवे में जो ऑलरेडी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं लेवल वन में, वो दोस्तों डायरेक्टली लेवल फाइव में जा सकते हैं, यानी कि ट्रेन मैनेजर गुड गार्ड्स बन सकते हैं। बड़ी भर्ती यहाँ पर देखने को मिली है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है इसमें, एग्जाम पैटर्न क्या आने वाला है और सिलेबस क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप भी रेलवे में गुड्स गार्ड्स बनने का सपना लिए बैठे हो, तो अभी देखिए जो भर्ती निकली है इसके अंदर जीके और मैथमेटिक्स आने वाली है। तो जीके के लिए आप ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं, जो पूरी तरह एनसीईआरटी पर बेस है और इसमें जीके का संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। उसी प्रकार दोस्तों आप मैथमेटिक्स की ये वाली बुक ले सकते हैं, जिसमें रेलवे की सारी एग्जाम जो हुई हैं, चाहे हम बात करें रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये वाली बुक आप ले सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। और रेलवे में प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है एनटीपीसी के, वो यहाँ पर आप ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको एनटीपीसी के जो रिसेंट 2021 में एग्जाम हुई है उसके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप इनको मंगवा सकते हैं। ये बुक आपके प्रमोशनल कोटा और डायरेक्ट भर्ती दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो भर्ती आई है वो साउथ ईस्ट सेंटर रेलवे की तरफ से आई है, और यहाँ पर ये पर्सनल डिपार्टमेंट नागपुर की तरफ से है, ठीक है। यानी कि एक डिवीज़न की वैकेंसी है नागपुर डिवीज़न की, और यहाँ पर एक जोन के अंदर 3 से 4 डिवीज़न होते हैं, तो ये सिर्फ एक डिवीज़न की वैकेंसी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नागपुर डिवीज़न जो SECR है साउथ ईस्ट सेंटर रेलवे के, उसके परिचालन और वाणिज्यिक विभाग यानी कि ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट के कर्मचारी ही इसमें एलिजिबल हैं। और ये जो भर्ती आई है वो आई है 60% DP कोटा, यानी कि आपका डायरेक्ट जो DQ यानी कि आपका जो है डिपार्टमेंट कोटा वैकेंसी जो है उसके तहत आई है। लेवल 5 की वैकेंसी है, माल ट्रेन प्रबंधक यानी कि आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी हम देखते हैं, तो टोटल जो वैकेंसी है वो 393 वैकेंसी है, जो कि एक अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि एक डिवीज़न के अंदर इतनी वैकेंसी निकलना बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें देखें तो UR की 325 है, SC की 40 और ST की 28 है। इसमें भी इन्होंने थोड़ा कैटेगरी कर रखा है। देखिए कैटेगरी में क्या है कि ये जो TNC की पोस्ट है, TNC डिपार्टमेंट ही इसमें प्रमोशन ले सकता है, मतलब जो ट्रेन क्लर्क होते हैं वो। तो इसमें 5% इनके लिए रिजर्व है, यानी कि आपके 32 सीटें हैं टोटल। कमर्शियल क्लर्क जो होते हैं, जो कमर्शियल डिपार्टमेंट के होते हैं, या टिकट क्लर्क TC जो होते हैं, CCTC जिनको बोलते हैं, अगर वो चाहें तो वो 66 वैकेंसी उनके लिए रिजर्व है। इसके अलावा स्विचमैन, लीवरमैन, पॉइंट्समैन, शंटमैन, शंटिंग जमादार, शंटिंग मास्टर, ये जो है इनके लिए यहाँ पर 295 सीटें हैं। यह ध्यान रखना, इसमें पॉइंट्समैन लेवल 1 यानी कि 1800 पे ग्रेड वाला एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसमें 1900 पे ग्रेड या लेवल 2 वाले एलिजिबल हैं। पॉइंट्समैन जो होता है LDC कोटे से जो वैकेंसी आती है गार्ड्स की, उसमें यहाँ पर एलिजिबल होता है। इसके अलावा इसमें आपको मिनिमम 3 साल की सर्विस चाहिए होगी, 3 साल आपको 1900 पे ग्रेड में एटलीस्ट काम करना होगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सिलेबस है वो आपको नीचे बता रखा है एनेक्सर नंबर 1 के अंदर, जो कि ऐसा ही मतलब चेंज हो सकता है उसके अंदर, लेकिन फिलहाल आपका सिलेबस यही रहने वाला है। इसके अलावा SC ST जो कैंडिडेट होते हैं उनको रेलवे स्पेशल फैसिलिटी देता है कि उन्हें दोस्तों ट्रेनिंग मिलती है 3 से 4 वीक की, तो वो भी यहाँ पर जो है यहाँ पर इनको देनी होगी। आगे बात करें तो यहाँ पर जो मोड ऑफ सेलेक्शन है, यानी कि क्या क्या पेपर आने वाला है, तो यहाँ पर देखेंगे CBT एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जिसमें आपके सारे के सारे MCQ फॉर्मेट के आएंगे। 10 क्वेश्चन अलग से जो राजभाषा के हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो टोटल 110 का होगा, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पर होने वाली है। आगे बात करें पैनल का प्रकाशन की, तो मिनिमम 60% मार्क्स आपको लाना होगा, क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, ठीक है। इसमें कोई SC ST वालों को रिजर्वेशन नहीं है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो दोस्तों एग्ज़ाम डेट रखेगी 25/8/2024 को, और ये यहाँ पर ये एग्ज़ाम सेंटर है, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम रखी गई है। फॉर्म आपको जो भरना है, फॉर्म भर के आपको दोस्तों यहाँ पर बता रखा है कि आपके जो भी ADOM है, ठीक है, इसके अलावा DOM, सीनियर DOM, TRD या कमर्शियल डिपार्टमेंट के, तो आपके ACM, DCM, सीनियर DCM, इनको आपको भिजवाना है, और 25/6/2024 तक आपको फॉर्म भिजवाना रहेगा। आगे बात करें जो फॉर्म है, आप दोस्तों यहाँ पर PDF की फॉर्मेट में भी भेज सकते हैं, आवेदन आप PDF फॉर्मेट में सीनियर DPO कार्यालय को या ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको बता रखा है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आपके पूरक परीक्षा नहीं होगी, यानी कि आप जो एग्ज़ाम डेट है उसमें जाना पड़ेगा, दोबारा एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होने वाली है, और जो भी डेट्स वगैरह है वहीं पर आपको जाना है। इसके अलावा जो भी आपके इंचार्ज वगैरह, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो टाइमली आपको यहाँ पर रिलीव करें, ठीक है।
आगे बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी फॉर्म अगर भर उसमें गलतियाँ पाई जाती है आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इसका अधिक से अधिक प्रसार किया जाए और प्रशासनिक कारणों से एग्जाम डेट वगैरह में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। बाकी इसको हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, वहाँ से आप और इसको पढ़ सकते हैं। ये फॉर्मेट है, इसको भरना है। इसमें आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है। इधर यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स है जो डालनी है, जैसे आपका नाम, डेजिग्नेशन, पीएफ नंबर, दोबारा आपका पदनाम डालना है। इसके अलावा किस स्टेशन पर आप पोस्टेड हैं वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कम्युनिटी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी आप बिलोंग करते हैं उसको डालनी है, किस तारीख आपकी अपॉइंटमेंट है वो डालना है, पोस्ट कौन सी है, किस पद पर नियुक्ति हुई है वो आपको डालना है। हो सकता है कि बाद में प्रमोशन लेके चले जाते हैं, वो चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर आपका पे ग्रेड लेवल क्या है, यानी कि आप 1900 पे ग्रेड लेवल 2 जो भी हैं आप डाल देंगे। वर्तमान लेवल पर आप किस तारीख को आए, प्रमोशन वगैरह किस तारीख को वो डालना है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी कितनी साल की सर्विस हो चुकी है, बिल यूनिट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और नीचे आपको ये डिक्लेरेशन भरना है और बस आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपका सिलेबस भी डाल रखा है कि सिलेबस के अंदर देखिए, तो यहाँ पर ये सिलेबस डाल रखा है जिस राजभाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे, रेलवे की कार्यप्रणाली, रेलवे वर्किंग सिचुएशन पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर है रेलवे के जो एब्रीविएशंस होते हैं, संक्षिप्त वर्ड होते हैं उनके बारे में। इसके अलावा जो अलग अलग टाइप के वैगन होते हैं उनके बारे में आप पूछा है, सिग्नल्स के बारे में पूछा है, बीपीसी उनके बारे में पूछा है, दुर्घटना एसीपी ब्रेकडाउन होता है उनके बारे में, या इसके अलावा जो इक्विपमेंट होते हैं गार्ड के उनके बारे में, मैथमेटिक्स भी आने वाली है, पास है, पीटीओ रूल्स इनके बारे में पूछे जाएंगे, जीके से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज से। इसके अलावा ट्रेन किस प्रकार से ऑपरेट होती है उसके बारे में आपको, टाइप ऑफ ट्रेन ऑपरेशंस उसके बारे में पूछा जाएगा, साइडिंग गुड्स शेड जो है उनके बारे में पूछा जाएगा, ट्रेन की मार्शलिंग और शंटिंग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपका टोटल सिलेबस है जो आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेगा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।